दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात बने अफरा तफरी के हालात, हिंसा की अफवाह ने किया लोगों को परेशान। रात में उड़ी अफवाह के बावजूद सीबीएसई परीक्षाओं पर कोई असर नहीं, सभी केंद्रों पर व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं जारी। तनाव की अफवाह के चलते तिलकनगर, नांगलोई, बदरपुर समेत 7 मेट्रो स्टेशन को एहतियातन बंद किया गया, करीब 45 मिनट के बाद गेट खोले गए। हिंसा और तनाव की खबर को दिल्ली पुलिस ने बताया बेबुनियाद, कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। पश्चिमी दिल्ली के ख्याल इलाके से शुरू हुई थी हिंसा की अफवाह, सट्टेबाजों पर पुलिस के छापे को दिया गया था तनाव का रंग। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं, इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है सबकी सुरक्षा के लिए। तनाव की अफवाह फैलते ही एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, लाउड स्पीकर से ऐलान कर हालात सामान्य होने की जानकारी दी। आप तमाम लोगों से प्रार्थना है कि किसी अफवाह में बिल्कुल न पड़े, चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे। दिल्ली रात को ही सड़कों पर उतर आए, लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई। हमने प्रेम नगर, बलजीत नगर, करोल बाग, नेहरू नगर और पटेल नगर के तमाम इलाकों को चेक कर लिया है, कहीं भी ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना घटित नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने भी हिंसा और तनाव की बात को नकारा, सुरक्षा के हालात पर जताया पूरा भरोसा। बाटलाउस इलाके में एक शख्स की मौत की अफवाह, अफवाह के बाद मची भगदड़, हंगामा मचा। बदरपुर तक दिखा हिंसा की अफवाह का असर, पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। पुलिस ने अंदरूनी बस्तियों में भी जाकर लोगों से अफवाह पर यकीन नहीं करने की अपील की, लगे जिंदाबाद के नारे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में अमन शांति कायम, पुलिस का दावा 4 दिनों से नहीं आई है कोई शिकायत। 23 से 25 फरवरी के बीच हुई हिंसा के मामले में अब तक 254 मुकदमे, 900 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में। रविवार को गोकुलपुरी के नाले से 2 शव और बरामद किए गए, हिंसा के दौरान उपद्रवियों का शिकार बनाए जाने का है शक। दिल्ली में जाफराबाद मदरसे से मौजपुर तक निकाली गई शांति मार्च, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया गया। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में आध्यात्मिक गुरु ऋषि रविशंकर का दौरा, पीड़ितों से मुलाकात की। ने अमन शांति का दोनों समुदाय के बीच में ये बाहर से लोग आके इस तरह से फूट फैलाए हैं और इसे हम सतर्क रहना पड़ेगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाना पड़ेगी। वरिष्ठ वकील HS पुलका पहुंचे दिल्ली के चांदबाग, हिंसा पीड़ितों की कानूनी मदद के लिए बढ़ाया हाथ। दिल्ली के खजूरखास इलाके में घर पहुंचा BSF जवान मोहम्मद अनीस, हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने घर में लगाई थी आग। हिंसा के बाद अनीस के परिवार को BSF ने दी है मदद, मकान की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की रकम मंजूर की। मालेगांव से AIMIM विधायक इस्माइल कासमी का भड़काऊ बयान, CAA विरोधी रैली के दौरान दी अमन बिगाड़ने की धमकी। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर हम अमान बाकी रखना जानते हैं तो हम अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है, हमने कोई चोरियां नहीं चूड़ियां नहीं पहनी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली हिंसा पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर दिग्विजय सिंह का हमला, कहा भड़काऊ भाषण देने के लिए BJP से मिलते हैं पैसे। हैदराबाद की EFLU यूनिवर्सिटी के गेट पुलिस ने बंद किए, छात्रों का आरोप CAA विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने की साजिश। हिंदू सेना के प्रदर्शन की धमकी के बाद शाहीन बाग में पुलिस की किलेबंदी, धारा 144 लागू। मिशन बंगाल पर अमित शाह की हुंकार, कोलकाता में शहीद मीनार मैदान से हल्ला बोल, ममता पर साधा निशाना। ममता सरकार पर अमित शाह का सीधा आरोप, कहा CAA के विरोध के नाम पर बंगाल में भड़काई गई हिंसा। मोदी जी CAA लेकर आए, लाखों करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिल दी है, ममता दीदी ने इसका विरोध किया। बंगाल के अंदर दंगे
कोलकाता से ममता को अमित शाह की दो टूक, हर हाल में लागू करना पड़ेगा नागरिकता कानून। कोलकाता में अमित शाह को झेलना पड़ा विरोध, एसएफआई ने दिखाए काले झंडे, कांग्रेस ने नारेबाजी की। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल, अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा पर मांगा है जवाब। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, दिल्ली हिंसा मामले में ना हो राजनीति, संसद में चर्चा को तैयार। दिल्ली हिंसा पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, साजिश के तह तक पहुंचेगी हमारी सरकार। निर्भया मामले में आज सुबह 10 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, चारों ही दोषियों की फांसी की तारीख टालने पर दी गई है याचिका। कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर मांगा है तिहाड़ जेल से जवाब, तिहाड़ के वकील ने दोषियों पर लगाया है मामले को टालने की कोशिश करने का आरोप। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई, पवन गुप्ता ने दाखिल की है क्यूरेटिव पिटीशन। निर्भया की मां ने कहा, अदालतों से उठ रहा है लोगों का भरोसा, कानून से खेल रहे हैं बेटी के गुनहगार। निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित, पिछली दया याचिका अधूरी होने की दलील दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में फूंका चुनावी बिगुल, गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। एक एक चीज को ये देश एक है और ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबका ये देश है, ये देश पर सबका अधिकार है और सब एकजुट होकर के चलेंगे। शामली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम योगी का विरोध, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर योगी को याद दिलाया वादा। आजम खां के बचाव में योगी सरकार पर बरसे शिवपाल यादव, कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। आरजेडी में फिर शुरू हुई खटपर, संसदीय बोर्ड में तेज प्रताप की ओर से की गई नियुक्ति को प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद ने रद्द किया। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने की नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ, कहा आम आदमी पार्टी में शामिल हो तो स्वागत। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक का होली मिलन समारोह, सेल्फी पॉइंट पर लगाए गए सीए समर्थन वाले पोस्टर्स। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर हमला, कहा सरकार के संरक्षण में हुई लोहरदगा में हिंसा। लोहरदगा में 23 जनवरी को भड़की थी हिंसा, सीएए के समर्थन में तिरंगा यात्रा पर हुआ था पथराव। दिल्ली में महिला अधिकारों और सुरक्षा के संदेश के साथ हुई पावर वॉक, इंडिया गेट से जनपद तक निकाला गया पैदल मार्च। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का उद्घाटन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में नाच गाने के साथ हुआ नई योजनाओं का आगाज, महिलाओं के साथ थिरके मंत्री। राजौरी में ग्रामीणों को सेना की मदद, दूरदराज के पहाड़ी गांव में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। झारखंड के गोड्डा में डिप्टी कमिश्नर किरण कुमार पासी ने सरकारी अस्पताल में कराया प्रसव, सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करने का संदेश दिया। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने विजेताओं को बधाई दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला, बड़ी बेंच में सुनवाई हो या नहीं इस पर आएगा आदेश। 5 जजों की बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाने के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उमर की बहन सारा ने दी है सरकार के फैसले को चुनौती। यूपी के चिन्मयानंद रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित ने की है केस को यूपी से दिल्ली शिफ्ट करने की मांग। आमला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने यूपी में अपनी ही सरकार पर उठाए हैं सवाल, सड़क निर्माण में धांधली को लेकर डिप्टी सीएम को लिखी चिट्ठी। फेसबुक के दोस्ती के चक्कर में देहरादून से भागकर अलीगढ़ पहुंची 3 नाबालिग लड़कियों को जीआरपी ने दी सुरक्षा, परिजनों को सौंपने की तैयारी। कानपुर में नाबालिग छात्रा से रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है आरोप। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। गाजियाबाद में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। गाजियाबाद में एसडीएम पर क्रिकेट बैट से हमला, आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर में फिरौती गैंग चलाने वाले 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, अपराधियों से सांठगांठ का आरोप है। अमृतसर में इनोवा गाड़ी से 1000 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया, 2 तस्कर गिरफ्तार। असम के विश्वनाथ में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या, सभी 7 आरोपी नाबालिग। मिर्जापुर में रेलवे की अधिग्रहित जमीन पर कब्जे के दौरान बवाल, खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन चलाने पर भड़के किसान। मुजफ्फरनगर में टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में मौत की छलांग, नहर में कूदे युवक का घंटों के बाद मिला शव।
गुजरात के कच्छ में शराब की महफिल का वीडियो वायरल हुआ, एक शख्स गिरफ्तार। झांसी में बाइक चालक की टक्कर के बाद बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वडोदरा में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने दो लड़की और छह एजेंट्स को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, तीन महिलाओं समेत छह लोगों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बाइक में घुसा जहरीला सांप, बाल बाल बचा बाइक सवार। नक्सली प्रभावित सुकमा के युवाओं को सीआरपीएफ ने दिया देश भ्रमण का मौका, 30 युवाओं का दल दिल्ली के लिए रवाना। लखनऊ पुलिस ने शुरू किया नमस्ते लखनऊ अभियान, सुबह की सैर पर जाने वालों से हालचाल पूछेंगे पुलिसकर्मी। एटा में दूल्हा दुल्हन ने संविधान की शपथ लेकर शादी की, यूपी विधान परिषद के सभापति बने अनोखी शादी के गवाह। खरगोन में देश के पहले मिर्च महोत्सव की शुरुआत, मिर्च की 12 किस्मों का प्रदर्शन। मार्च के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी, रौरी पास की सड़क पर आवाजाही मुश्किल। क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, तीसरे दिन ही हुआ मैच का फैसला। दो टेस्ट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप, वनडे में भी किया था 3-0 से सफाया। दूसरी पारी में 124 रन पर सिमटा भारत, न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। दूसरी पारी में भी कप्तान विराट कोहली नाकाम, सिर्फ 14 रन जोड़ी, 4 पारियों में बनाया कुल 38 रन। पहले सेशन में न्यूजीलैंड को 235 पर समेट कर गेंदबाजों ने किया था पलटवार, दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने किया सरेंडर। होली से पहले एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमत में करीब 53 रुपए की कमी। सरकार से सस्ती दरों पर सोना खरीदने का एक और मौका, सोवेरीन गोल्ड बॉन्ड में 2 से 6 मार्च तक कर सकते हैं निवेश। अमेरिका लौटकर भी भारत में मिले स्वागत को याद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, रैली में उमड़ी भीड़ का किया जिक्र। You know, in India, I hate to say this to you, but so they actually have 129,000 seat stadium. Did you see it? The place was packed. अमेरिकी तालिबान शांति समझौते की शुरुआत में ही फंसा पेच, अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी का 5,000 तालिबानियों की रिहाई से इनकार। चीन में कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत, 2,870 पर पहुंचा है मौत का आंकड़ा। दुनिया के करीब 57 देशों में कोरोना ने की है घुसपैठ, WHO के मुताबिक अब तक 85,000 लोगों में बीमारी की पुष्टि। अमेरिका में सामने आया कोरोना वायरस की वजह से मौत का पहला मामला, वॉशिंगटन में 50 साल के शख्स की मौत हुई। दक्षिण कोरिया के कई इलाकों में बंद किए गए चर्च, कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार का फैसला। लोकतंत्र को बचाने के लिए हांगकांग में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।